नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें इस वीडियो में ज्योग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। सलाल बन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, गैंडों के लिए प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? दो हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कावेरी और ये गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट का प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ये बताना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष की थी? 1953 में की गई थी। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, क्या है नाम? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, क्या है? भिलाई आठ, ये है दिल्ली राजहरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाई मुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुतर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? पीर पंजाल पर्वतमाला। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, डंस की घाटियां हैं। प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे डैस कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई अन्नाई मुड़ी अन्नाई मुड़ी। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट नागडिब्बा। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? बाड़ासुर। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? नंदा देवी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू माउंट केटू। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाई मुड़ी अनाई मुड़ी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है पोन मुड़ी। दक्षिण भारत का एक छोटग या हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? अराकू। कौन सी? अराकू। इससे कठिन, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग चोटी। कौन सी? शिलोंग चोटी। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। कौन सा है? अरावली। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अनाई मुड़ी अनाई मुड़ी। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की सबसे ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत की। इसकी सबसे कम है मुकुट पर्वत की। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो कौन सा है? मुकुट पर्वत मुकुट पर्वत। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, डैश के बीच सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल के बीच में कंचनजंगा स्थित। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्री तट से सबसे अधिक है? ऊटी। किसकी? ऊटी। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है सैडल। कौन सी? सैडल। दुनिया के सबसे बड़े छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात में छार रेगिस्तान स्थित है। याद रखना, छार रेगिस्तान पूछा गया है। बनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 25% आता है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है।
वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का डैश डैश है कितना है? 21.54%। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, याद रखना उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, दूसरे नंबर पर भारत सीमेंट का उत्पादन करता है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तामा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? चीन है। बालाघाट का मल्लखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगला क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। किसके लिए हैं? ये हैं किसके लिए? तांबे के लिए। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगला क्षेत्र और बालाघाट का मल्लखंड ये तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? झरिया और झारखंड नहीं है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? किन्नौर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? श्रीलंका। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 7 से लगती हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश डैश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। भारत में कितनी फसली वस्तुएं पाई जाती हैं? 3। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? मौसिनराम मेघालय में। कहाँ पर? मौसिनराम और मेघालय में। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश डैश वर्षा होती है। वर्षा दिन किस दिन को माना जाता है? जिस दिन वर्षा 2.5 mm की वर्षा हो जाती है वो वर्षा का दिन माना जाता है। भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? MP में है, मध्य प्रदेश में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है 8° 4' 37° 6' तक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राइट आंसर हो जाएगा? गुजरात और झारखंड और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? बिहार नहीं है। कौन सा? बिहार नहीं है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82° 30'। वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है? नागालैंड। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.09%। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। निम्न में से कौन सी एक 2001-11 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है? 17.64% रही है। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921 है। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर में रहता है?
लगभग 16%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? 48.46। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 और 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर था 20.09%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिति पर ला देना 2045 तक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कोयना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तापी, तापी या ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकी नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के नदी यमुना से नहीं मिलती? यमुना से नहीं मिलती सोन नदी, यमुना से नहीं मिलती केन, बेतवा, चंबल, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अलावा बताना, सोन नदी निकलती है। कामनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? कामनी, हेमवती और अमरावती। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज है, सतलज है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी सबसे छोटी नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा है। इसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? कहा जाता है दामोदर नदी के बेसिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? लूनी नदी बहती है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? गंगा, यमुना, सरस्वती। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से में शुरू होती है जहां इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा का समागम अरब सागर में है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। इनमें से कौन सी नदी भारत से पश्चिम, कृष्णा नदी, पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती हैं, नासिक। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, गुजरात। तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पे? तिरुचिल्लापल्ली में स्थित है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज पर बना हुआ है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में? कुंडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी पर बनाया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है।
भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी, टिहरी बांध है सबसे ऊंचा। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी डैश डैश भूजल रिजर्व से आता है, 80% आता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होती है 15 डिग्री होती है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र कुल संख्या क्या है? 24 है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है? श्रीलंका। निम्नांकित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? इंडोनेशिया की है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? जापान की देखी जा रही है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में 6 देश हैं। निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुसलमान रहते। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले नंबर पे ये आएगा 3, फिर दूसरे पे ये, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बी सही है। उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है? सऊदी अरब। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? यांगसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 0.3%, 3% उपलब्ध है, 0.3% होगा यह। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 3%। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? नदी है, नदी। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? माउंट चिमराजो, माउंट चिमराजो। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? गैर एशियाई है, अकांकागुआ पर्वत है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? नाइजीरिया नहीं आता है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा? सहारा है। राइल कुम रेगिस्तान स्थित है उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? एशिया में सबसे अधिक है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? ब्राजील में। सूची वन, सूची टू के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 3, 4, 1, 2 है, ये ऑप्शन सही है, सूची वन और टू। मानसूनी जैतून, मानसूनी वन जैतून कहाँ? सागौन। और विषुवत रेखी वन कहाँ पे? महोगनी। और भूमध्य सागरी वन आलू बुखारा। और कोणधारी वन चीड़ का, चीड़ तथा फर।
यूरोप में कितने देश हैं? 44 देश हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, रूस से नहीं मिलती है? निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका आएगा, फिर तंजानिया आएगा, फिर उसके बाद नाइजीरिया आएगा, नाइजीरिया के बाद अल्जीरिया आएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? स्लोवाकिया का पड़ोसी देश, स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं हंगरी है और ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य है। चेक गणराज्य तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन इसमें शामिल है और फिनलैंड नहीं शामिल है। अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता। अफगानिस्तान की सीमा अवेनिस्ट नहीं है, रूस के साथ कॉमन नहीं है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? वृक्षों की संख्या का, वायु गति, आर्द्रता, वर्षा, इनका तो योगदान होता है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है? 52वां समान। सर्दी विश्व रात दिन बराबर 2019 में डैश को था 23 सितंबर। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 5 घंटे और 30 मिनट। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और सऊदी अरब से। एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर। एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर को दर्शाता है। 1 डिग्री घूम गए, 1 डिग्री चल गए, तो मतलब 111 किलोमीटर दौड़ गए तुम। निम्नांकित में कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पाकिस्तान है। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2050। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसीबी। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर है। निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा मिलती है? रूस की मिलती है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। समान वायुमंडलीय दाब होता है 760 निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? जल चक्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। जल वाष्प केवल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। अमेजन के जंगलों पर, अमेजन